हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। दोस्तों, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लीगल एस्पेक्ट अबाउट लखीमपुर खेरी इंसिडेंट। ओके दोस्तों, बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा वहां पे चल रहा है उत्तर प्रदेश लखीमपुर में, जहां पे इगेंसे प्रियंका गांधी इगेंसे लखीमपुरी खेरी में जा रही थी, उनको सीतापुर में डिटेन कर दिया। ओके, नाउ ऑन व्हाट ग्राउंड शी वाज डिटेन इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। सिमिलरली इगेंसे उनको मतलब काफी लंबे समय तक रहना पड़ा, अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी रखा गया तो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन का लॉ बोलता है कि भैया उनको 24 अंदर इगेंसे रिलीज कर देना चाहिए और वो अवेलेबल भी होता है। सिमिलरली इगेंसे छत्तीसगढ़ के सीएम इनको एयरपोर्ट से बाहर निकलने नहीं दिया। यस नो? सो दोस्तों, ये एक बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा क्रिएट हो रहा है एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस लखीमपुर खेरी वायलेंस एंड व्हाट हैज हैपेंड एंड व्हाट आर द लीगल इश्यूज कनेक्टेड टू दैट। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट वाज द इश्यू, क्या हुआ, और उसके बाद हम जाएंगे कि किस तरीके से लीगल एस्पेक्ट इसके साथ होगा। दोस्तों, लखीमपुर खेरी में इगेंसे टोटल 8 लोगों की मौत हुई, उसमें से 4 फार्मर थे और बाकी 4 फार्मर नहीं थे, वहीं पे शायद इगेंसे जो पॉलिटिकल पार्टी थी उनके साथ आए होंगे ऐसा माना गया है। ओके, वहां पे वायलेंस इगेंसे क्रिएट होने लगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि दी फार्मर्स वर प्रोटेस्टिंग एंड दे वर ब्लॉकिंग द यूपी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्यास विजिट टू बनबीरपुर विलेज। बनबीरपुर विलेज में उनको जाना था, यूपी के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर उनको जाना था यूपी में, और यहाँ पे ये लोग धरना करने बैठे थे। दे डिड नॉट अलाउ देम टू गो। ठीक है, तो वहां पे वायलेंस ब्रेकआउट हो गया। अच्छा, क्यों हुआ? बिकॉज अगेन से देर वॉज अ जीप, ठीक है, वो एक एसयूवी थी, वो तेजी से लोगों के ऊपर चल पड़ी, जिसका वीडियो आपने जरूर देखा होगा। एंड देर वर सम पीपल हु स्टार्टेड टू अगेंस्ट स्प्रेड अगेंस्ट दोस गन शॉट्स एज वेल। ठीक है, भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकेट ने क्लेम किया दैट फार्मर्स वर अटैक्ड व्हेन दे वर रिटर्निंग आफ्टर स्टेजिंग अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट सेंटर्स न्यू फार्म लॉ। भैया, सेंटर के नए फार्म लॉ के ऊपर काफी समय से प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रोटेस्ट के बाद भी सरकार ने वो लॉ बना के लाए, सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया रुक जाओ, ये लॉ अभी सस्पेंडेड है, बट फार्मर अभी भी मानी है। ठीक है, अब ये सही है या गलत है वो हम अलग से वीडियो में देखेंगे, पर बात ये हुई कि फार्मर यूनियन के लीडर बोलते हैं कि इन्होंने कोई हल्ला किया नहीं, वो वापस आ रहे थे। ठीक है, और जब वो वापस आ रहे थे तो जो एनवॉय था, जो डिप्यूटी सीएम के साथ था, उन्होंने ओपन फायर कर दिया। ठीक है, और कुछ लोग वहीं पे डेड हो गया और कुछ लोग इंजर्ड हुए और इंजरी की वजह से मौत हुई। ठीक है, और ठीक है, सेड दैट ही वाज गोइंग टू लखीमपुर खेरी एंड वुड बी लाइकली टू रीच बाय मिडनाइट, ऐसा उनको बोला गया था। दैट इज पुराना इंफॉर्मेशन है, अखबार में सबने उठा के आपके सामने डाला है। ठीक है, नाउ ये वायलेंस की शुरुआत कैसे हुई? ठीक है, ये कहां पर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे? बीनीपुर विलेज में। ठीक है, विच इज लोकेटेड इन लखीमपुर खेरी। दे सेट ऑन दी प्रोटेस्ट एट दी हेलीपैड, जहां पे डेप्यूटी सीएम का हेलीकॉप्टर आने वाला था, वहां पे उतरते केशव मौर्य साहब उतरते वहां पे, और उसके बाद बाई रोड लखीमपुर जाने वाले थे, लखीमपुर खेरी जाने वाले थे। ठीक है, ओपन फायर करने के बाद एक एसयूवी उनके ऊपर चला दी, तो जिसकी वजह से ऑब्वियस है फार्मर को लगेगा कि हमारे ऊपर कुछ गलत हुआ, तो उन्होंने सामने रिटालिएट किया और 2 एसयूवी को उन्होंने जला दिया। ठीक है, योगी आदित्यनाथ ने बोला कि यार ये तो बहुत बुरी बात हो गई। ठीक है ना, ये आपका एमपी का पूरा इगेंसे मैप, उसके अंदर लखीमपुरी की बात हो रही है, बट वी आवर फोकस इज ऑन लीगल एस्पेक्ट, लेट्स कम बैक टू दिस। ओके, 4 फार्मर, सुखविंदर सिंह 20 साल का, सतनाम सिंह 20 साल का, हरी सिंह 35 साल के, सुब्बा सिंह 65 साल के, इनकी डेथ हुई। ओके, ठीक है, और ये सब लोग यही इगेंसे बहरीच और इगेंसे खेरी डिस्ट्रिक्ट के लोग थे। ओके, सो ये डीजीपी मुकुल इगेंसे गोयल साहब ने ऐसा कहा। ठीक है, संयुक्त किसान मोर्चा ने क्लेम किया कि भैया यहाँ जो इगेंसे गोली चलाई, वो गोली चलाने में मिनिस्ट्री ऑफ इगेंसे होम अफेयर्स के, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स के अजय मिश्रा तेनी जी के सन आशीष मिश्रा ने भी गोली चलाई, और इसकी वजह से उनके ऊपर मर्डर का चार्ज लगाया जाए। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ने बोला कि नहीं भैया, है ना, मेरा बेटा तो वहां था ही नहीं।
ठीक है, वही वो 2 अक्टूबर है ना, अजय देवगन और उसकी फैमिली गए थे पणजी, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने पाव भाजी खाई, ठीक है ना, आश्रम में थे, फिर दूसरे दिन वो वापस आए, है ना, ऐसी वाली कहानी है, एलिबाई करने की बात है कि भाई वो तो था ही नहीं वहाँ पे, ये सर नो, दिस इज़ वेरी कॉमन कि वो था ही नहीं वहाँ पे, ठीक है, दिस इज़ वेरी कॉमन. My son wasn't present at the spot. There were miscreants who attacked worker with sticks and rods. Had my son been there, he wouldn't have come out alive. वो मर ही जाता. Yes or no? My son was present at the venue of Deputy Chief Minister's event all through, and I was accompanying. And I was accompanying Deputy Chief Minister. ठीक है. तो ये बड़ा सा एक इनसे हल्ला हुआ, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई जो दिख रही है ना, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है. FIR दर्ज करने की कोशिश हो रही है ना, डिमांड हो रही है. इंटरनेट सस्पेंड कर दिया, CRPC का सेक्शन 144 लगा दिया. ये सुनो, अब इसी बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली क्या मुद्दा हुआ. वॉट लॉ सेज ऑन द प्रोटेस्ट एंड द डिटेंशन ऑफ दिस पॉलिटिकल लीडर. कौन कौन सी धारा लगाई गई. यूपी पुलिस सेड दैट प्रियंका चोपड़ा वॉज डिटेन अंडर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 151 एंड 107 ऑफ CRPC विच अलाउज अ पुलिस ऑफिसर टू प्रिवेंटिवली डिटेन समवन इफ देर इज एन एप्रिहेंशन ऑफ अ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और ऑफ ब्रीच ऑफ पीस. ये सर नो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. सेक्शन 151 एंड सेक्शन 107 ऑफ CRPC, ठीक है, उनके ऊपर लगाया गया, विच इज रिलेटेड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन. आई एम श्योर ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन. प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है कि भैया हमें लग रहा है कि कोई बंदा आकर है ना कुछ ऐसे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बिगाड़ेगा, शांति को भंग करेगा, तो हम उस बंदे को पहले से पकड़ के जेल में डाल देंगे. That is called preventive detention. ठीक है. और कांग्रेस लीडर was going to violate section 144 restriction. और इसकी वजह से 151 और 107 लगा दिया. Yes or no? मतलब क्या हुआ कि भाई यूपी पुलिस बोलती है लखीमपुरी खेरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने धारा 144 लगा के रखी है, और हमें लगता था कि प्रियंका चोपड़ा वो धारा 144 तोड़ने वाली थी, जिसकी वजह से हमने उनके ऊपर धारा 151 और 107 CRPC की लगा दी. इज दैट ओके? ग्रेट, चलिए समझ में आ गया ये बात. तो अब ये समझते हैं कि सेक्शन 144, 151, 107 उसमें पावर तो पुलिस के पास है, पर क्या वो पावर पुलिस ने लीगली यूज करी कि नहीं करी, ये हमारा लीगल एस्पेक्ट है, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं. दोस्तों, प्रोटेलेंट की तरफ से जब इस तरीके के सेशंस मिल रहे हैं, दे आर प्राइमरली फॉर द लॉ स्टूडेंट्स. सो वी आर ट्राइंग टू टेक अप सम करंट अफेयर का मॉड्यूल एंड वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट इट विद लीगल एस्पेक्ट. सेक्शन 144 कैन बी इम्पोज्ड व्हेन देर इज एन एक्चुअल अनलॉफुल असेंबली. कहीं पे एक्चुअली अनलॉफुल असेंबली होने वाली है या पोटेंशियल अनलॉफुल असेंबली हो रही है अकॉर्डिंग टू द इंटरप्रिटेशन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देर हैज टू बी एन एक्चुअल अनलॉफुल असेंबली और देर इज अ पोटेंशियल अनलॉफुल असेंबली. ठीक है. हाउएवर कोर्ट ने यह भी एक्सेप्शन दिया दैट इफ देर इज अ रीजनेबल एप्रिहेंशन इज देर, देन देर मस्ट बी रिटर्न ऑर्डर गिविंग रीजन फॉर इंपोजिशन ऑफ दिस सेक्शन 144. समझ आया आपको कि भैया या तो एक्चुअल में अनलॉफुल असेंबली होनी चाहिए या देर इज अ पोटेंशियल अनलॉफुल असेंबली होनी चाहिए. सो पॉइंट इज देर हैज टू बी एक्चुअल अनलॉफुल असेंबली और पोटेंशियल अनलॉफुल असेंबली. ठीक है, ये तो होना ही चाहिए. अगर नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि रिजनेबल डाउट है, तो आपके पास रिटर्न ऑर्डर होना चाहिए. ये सुनो, ठीक है. क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 144 अलाउज मैजिस्ट्रेट टू पास दैट काइंड ऑफ ऑर्डर एंड सेज दैट एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन मे बी डायरेक्टेड to a particular individual or to a person residing in a particular place or area or to the public generally when frequenting or visiting that particular place. कोई particular आदमी के खिलाफ आप लगा सकते हो, या कोई group of people के आजू बाजू जो उस area में रहते हैं, या कहीं पर public है, gather हो रही है, तो वहां पर लगा सकते हो. Which means
the restriction need not to be specifically against a particular number of people gathering in a place. It is a general order. Again, restricting entry into particular place, particular area that can be passed. But very important part, that is, it must be in writing. ठीक है, अनुराधा भसीन केस के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था दैट प्रोहिबिटरी ऑर्डर अंडर सेक्शन 144 मस्ट बी पब्लिश्ड इन अ पब्लिक डोमेन. सवाल यह पैदा हुआ कि जब कैसे प्रियंका गांधी वहां पे जा रही थी सेक्शन 144 के बेसिस के ऊपर कि भाई सेक्शन 144 वहां पे लगा है, ठीक है, और आप वहां पे जाकर उसको तोड़ने वाले हो और इसकी वजह से 151 और 107 के बेसिस के ऊपर हम आपको कैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल रहे हैं. तो सवाल यह है कि 144 लगाया था उसका पब्लिक डोमेन में पब्लिकेशन था या नहीं, यह सवाल है. ठीक है, ओके, सेक्शन 151 और 107 प्रिवेंटिव डिटेंशन है, प्रिवेंटिव डिटेंशन है. प्रिवेंटिव डिटेंशन बाय पुलिस ऑफिसर कैन नॉट बी फॉर मोर देन 24 आवर एंड व्हाइल 107 अलाउज मैजिस्ट्रेट टू ऑर्डर द अक्यूज्ड पर्सन टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड प्रोमिसिंग दैट दे विल नॉट एंगेज इन एनी एक्शन विच कैन कॉज ब्रीच ऑफ पीस. ठीक है, तो भैया 151 के द्वारा प्रिवेंटिव डिटेंशन और 107 के द्वारा एक कागज लिखवा लेना, अमाउंट देकर, श्योरिटी देकर कि आप ऐसी गलत चीजों के ऊपर काम नहीं करोगे, और इमीडिएट बेल का प्रावधान है. ये सुनो, ये इमीडिएट बेल का प्रावधान है. ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है. तो भैया इनको ऐसे पकड़ के रखा 24 घंटे हुए क्या? ठीक है, 24 घंटे हुए क्या? नहीं, 24 घंटे से ज्यादा समय हो गया और प्रिवेंटिव डिटेंशन के द्वारा इनको पकड़ा गया. आई बिलीव कि यहां पे ये लॉस को लीगली यूज किया नहीं गया था. हाउएवर द मैटर इज मेली इन द पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल हस्पेक्ट के साथ कनेक्टेड है, और इसकी वजह से मुझे लगता है कि ये जो लीगल प्रावधान वायलेट हुए उसमें प्रियंका गांधी को इतना प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है, और शायद उनको अपना अपना जो पॉलिटिकल मुद्दा जो उठाना है वो सही तरीके से उठा पाए होंगे. ये सुनो, हाउएवर एज अ लॉ स्टूडेंट व्हाट यू शुड नो इज हाउ दिस लॉज आर बीइंग इंप्लीमेंटेड. आई बिलीव दिस इज कंफर्टेबल फॉर यू, आपको पसंद आया होगा ये वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया उसको लाइक करिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट. और बेल आइकन दबाना जरूर, इसे मत भूलिएगा मत. ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे.